अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के ब्लॉग में हम बनाना सीख रहे हैं आलू के पराठे, जो मेरी भाभी बना रही हैं। तो उसके लिए हमने आधा किलो आलू लिए हैं, जिन्हें हमने बॉईल कर लिया है। अब ये हमारे पास बाउल के अंदर मौजूद है। बाकी इंग्रेडिएंट आपके सामने हैं, हम डालते जाएंगे, साथ साथ बताते जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं रेसिपी। ये हमने एक दरमियाना प्याज है बारीक चॉप कर लिया था, वो अब हमने इसमें डाल दिया है। साथ ही हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। ये तीन छोटी हरी मिर्चें हैं जिन्हें हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। साथ में है लाल मिर्च, नमक और ज़ीरा और साबुत धनिया। साबुत धनिया और ज़ीरा जो है ये दोनों मिला के एक चम्मच है, 1 टीस्पून। और लाल मिर्च है हमारे पास 1/2 टीस्पून और नमक है हसबे जायका 1/2 टीस्पून। अब ये मसाले भी हम इसमें डाल देंगे। भाभी हरा धनिया डाल रही थी और मैं बीच में बोलने लगी, तो उन्होंने कहा चलो फिर ठीक है तुम ये मसाले डाल दो पहले। तो अब हम इसमें डालेंगे साथ में हरा धनिया। हम इसमें आधा डालेंगे, सारा नहीं डालेंगे, ठीक है। ये भी खुशबू और जायके के लिए होता है, अच्छा लगता है। तो ये अब हमने सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इनकी बना लेंगे आलू की पीठी। ऐसे आपने ने अच्छी तरह आलूओं को जो है ना वो मैश कर लेना। तो ये देखें दोस्तों, आलू की पिठी जो है वो बड़े अच्छे से भाभी ने जो है ना वो मैश कर लिया, बनकर तैयार है। अब हम पराठों में इनकी फिलिंग करेंगे और पराठे बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमने एक पेड़ा ले लिया है, उसे हमने अच्छी तरह फैला लिया है, गोल मटोल कर लिया। अब हम इसमें आलू की फिलिंग कर रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे ये भी बताएगा कि मेरी बनाई गई रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। और ये भाभी ने इसको गोल मटोल कर लिया। अब इसे हम दोबारा से बेलेंगे। ये खुश के मैं इसको मिक्स किया। इसे आलू का पराठा भी कहें और मेरी इंग्लिश में इसको पोटैटो ब्रेड भी कहें, कैसा है? तो ये इसे अच्छी तरह हमने फैला लिया है। तो ये हमने पराठा जो है वो डाल दिया पकने के लिए। फ्लेम हमने थोड़ा सा तेज किया, जरा पराठे को चारों तरफ से जो है वो अच्छी तरह सेक लगे, फिर हम इसे अलट पलट करेंगे, फिर हम इसे घी लगाएंगे, हमारा पराठा बनकर तैयार। और देख लें, मैं कहती थी बस मेरी मामा नहीं बोलती हैं, मेरी भाभी भी नहीं बोल रही है। मेरी भाभी कह रही है कि ये दो तरह से बनता है, एक जैसे भी हमने आपको फिलिंग करके दिखाई के पेड़ा लिया और सिंगल पेड़े में हमने आलू को डाला और हमने उसका पराठा बना लिया, ठीक है। और सेकंड तरीका जो है वो भी भाभी दोबारा से बनाकर दिखाएंगी, तो फिर मैं आपको साथ ही वीडियो में दिखा दूंगी कि एक उस पैटर्न से भी पराठा बना सकते हैं, वो भी बहुत ईजी है। तो आप इन दोनों तरीकों से जो है वो पराठे जो है ना वो बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसे ऑयल डाल दिया। अभी बोल लो, कोई नहीं कैमरे से निकल। जो मेरे बड़े भाई हैं ना वो भी शेफ हैं, मैं उनके होटल का नाम नहीं लूँगी वरना उनके होटल की मार्केटिंग हो जाएगी। तो वो वहाँ पर शेफ हैं और वो इतने मज़ेदार पाकिस्तानी, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, मतलब हर तरह की कुकिंग, बारबेक्यू, ईच एंड एवरी थिंग, मतलब पार्टी वियर और शादी से रिलेटेड हर तरह की कुकिंग जो है ना वो भाई करते हैं। सॉरी इसके लिए। तो मेरे भाई ने मतलब भाभी को, मतलब माशाल्लाह मेरी भाभी भी बहुत अच्छी कुकिंग करती है, लेकिन मेरे भाई ने भाभी को बहुत अच्छे से ट्रेन कर दिया और भी चीज़ों में कि हर चीज़ को इतने शानदार तरीके से बनाना। मेरी भाभी बिरयानी बनाती हैं इतनी कमाल कि हम उंगलियाँ चाट कर आ जाते हैं। वैसे तो सभी खाने बहुत टेस्टी बनाती हैं, लेकिन बिरयानी मेरे हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये हमने पराठे को ऑयल लगा दिया है। अब हम इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे और फिर ये बनकर तैयार हो जाएगा। फिर मैं इसे प्लेट में सर्व करके दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। तो ये देखें दोस्तों, पराठे जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। भाभी ने इनकी कटिंग करके इन्हें प्लेट में सर्व कर दिया, साथ में हमने रायता बनाया है।
आप भी इसे खूब इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।